Hello students, welcome to lecture 6 of chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. Last lecture में हम लोगों ने pollination cover up किया था, ठीक है? अब pollination से जुड़ी हुई कुछ चीजें उस lecture में बाकी थी, तो हम इस lecture में cover up करेंगे और इस lecture में हम लोग fertilization के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे पॉलिनेशन के अंदर ही एक और सब हेडिंग आती है, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए पॉलिनेशन दो तरह का है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस है. ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो इसकी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को वो अवॉइड करना चाहते हैं. ठीक है, तो कैसे डिफरेंट प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं वो हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब इसमें फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, अगर कोई प्लांट एक ही सेक्स के फ्लावर बना रहा है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो एक फर्स्ट तरीका हम लोगों ने पढ़ा जिसमें प्लांट कोशिश कर रहा है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो. ठीक है, इसमें क्या है, एग्जांपल हम लोगों ने मोनोशियस प्लांट का लिया. मोनोशियस मतलब इफ मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. एग्जांपल यहाँ पे कैस्टर मेज, इट प्रिवेंट्स ऑटोगमी बट नॉट गेटोगेमी. ठीक है, अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, ठीक है, एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है तो हमारा क्या होगा, ऑटोगैमी प्रिवेंट होगा बट गेटोगैमी प्रिवेंट नहीं होगा. गेटोगैमी मतलब सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स. इन डायोशियस प्लांट्स, जिन प्लांट में एक ही तरह का प्लांट फ्लावर होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दिस प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गेटोगैमी. ठीक है, तो डायोशियस प्लांट में हम बोल सकते हैं कि उसमें सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. मोनोशियस में ऑटोगैमी भी हो सकती है और गेटोगैमी भी हो सकती है. ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग. जो हमारे हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स है वो ऑटोगेमी कर सकते हैं और जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिफरेशन होगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन. एक और चीज जो है वो ये है, हियर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर द पॉलन रिलीज. ठीक है, इसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो पॉलन है उससे पहले, जैसे मान लो एक प्लांट है, एक फ्लावर है, उसमें एंथर भी है स्टिग्मा भी है. अब जब एंथर पॉलन रिलीज कर रहा है तब स्टिग्मा रेडी नहीं है, और जब स्टिग्मा रेडी है तब एंथर रिलीज नहीं हो रहा. दोनों का टाइमिंग जो है वो जो है डिससिंक्रोनाइजेशन नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे. अब मान लिया एंथर इसका मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, तो ये तो पॉलन निकल जाएगा, ये तो वेट करने वाला नहीं है. अब ये एंथर निकल जाएगा तो ये कहीं ना कहीं दूसरे फ्लावर पे जाके या दूसरे प्लांट पे जाके बाइंड करेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ गए. ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट पोजिशन. एंथर और स्टिग्मा को इस तरीके से अरेंज कर दिया फ्लावर में कि एक दूसरे में वो इंटरेक्ट ना कर पाए, ये एक तरीका हो गया. ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. इट इज अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन विच डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन. ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल, ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन के थ्रू किया जाता है. अब ह्यूमन चाहता है कि इस प्लांट में इसके ही पोलन जाए, मेरे डिजायर्ड प्लांट में से ही पोलन डालो, तो क्या करूं मैं, या तो उसके स्टिग्मा हटा दूं या स्टिग्मा को कवर अप कर दूं कि जब मैं कवर खोलूंगा अपने डिजायर्ड एंथर उसमें डाल दूंगा, पोलन ग्रेन्स डाल दूंगा और उसे पैक कर दूंगा. ठीक है, इसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं. एक है इमेस्कुलेशन. इमेस्कुलेशन मतलब एक फ्लावर है उसमें एंथर्स भी है, स्टेमन्स भी है और पिस्टिल भी है. ठीक है, तो मैंने अगर स्टेप पर क्या कहते हैं, एक पिन को यूज करके, ठीक है, मैंने क्या किया, सारे एंथर्स निकाल दिए, तो फ्लावर में क्या बचा, सिर्फ स्टिग्मा. तो अब वो स्टिग्मा को कौन पॉलिनेट कर सकता है, कोई दूसरा प्लांट या दूसरा फ्लावर, क्योंकि उसके खुद के एंथर तो निकल गए. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन. इसका उल्टा, मैं चाहता हूं कि अगर ये जो एंथर है वो तो वहीं रहे, स्टिग्मा को मैं कवर कर दूं किसी बैग से,
अगर मैं स्टिग्मा को किसी प्लास्टिक बैग से कवर कर दूं तो क्या ये एंथर में से निकलने वाले पोलन इसको पोलिनेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये कहाँ जाएंगे पोलन? किसी और प्लांट के पास जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टिग्मा है इसको मैंने कवर अप किया है, इसको मैं अपने हिसाब से खोलूं और जो एंथर में कहीं से कलेक्ट करके लाया हूँ, लेबोरेटरी से लेके आया हूँ, उसको इसके ऊपर छिड़क दूं और फिर से पैक कर दूं। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो डिजायर्ड, ह्यूमन के डिजायर्ड से होगा कि मैं इस पोलन को इस स्टिग्मा के साथ फ्यूज कराना चाहता हूँ, जिससे मुझे कुछ फायदा होगा, कोई नई वेराइटी मिलेगी, कुछ बेटर वेराइटी मिलेगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इमेस्कुलेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बड ऑफ फीमेल पेरेंट बिफोर द एंथर डाइसिस, ठीक है। उसके डाइसिस से पहले हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। बैगिंग में हम लोग क्या करते हैं, बटर पेपर बैग को यूज करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग स्टिग्मा को कवर अप कर देंगे, ठीक है, इसे अनवांटेड पोलन उससे आके बाइंड ना कर पाए, ठीक है। When the stigma attains receptivity, mature pollen grains collected from anther of male parent are dusted on the stigma. जो stigma mature हो गया तो हम खुद से pollen लेकर आएंगे और उसके ऊपर छिड़क देंगे और फिर से उसे पैक कर देंगे, जिससे कोई unwanted pollen उससे जो है बाइंड ना करे, ठीक है, ये समझ गए हम लोग। उसके बाद next तरीका क्या use करते हैं plant? इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कर देते हैं। इसमें क्या है, सेम फ्लावर फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इन द पिस्टल। सेम प्लांट के पोलन से पोलन ट्यूब नहीं बनेगा, ठीक है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कर दिया हम लोगों ने कि सेम फैमिली में सेम प्लांट में आपस में पोलिनेशन नहीं होगा, ये प्लांट ने डिसाइड कर लिया, ठीक है, बाहर से ही हमको क्रॉस पोलिनेशन ही करना पड़ेगा। ये एक तरीका हो गया सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो अलग अलग तरीके हम देख रहे हैं, नेचुरल एज वेल एज मैनमेड, जिसमें प्लांट सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करना चाहता है और वो कोशिश कर रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा हो, ठीक है। उसी से लेके कुछ और भी पॉइंट्स है यहाँ पर हमको देखने हैं, जो फर्स्ट है डिक्लीनिंग, ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। उसके बाद डाइकोगेमी, इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स स्टैमेंस एंड कार्पल्स ऑफ अ फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, अगर सेम टाइम पे अगर वो मैच्योर नहीं हो रहा है तो उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। उसी में फर्दर टाइप का प्रोटेंड्री, द एंथर ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन कार्पल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्री, ठीक है, जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जा रहा है, ठीक है। मेनी प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर क्रॉस पोलिनेटेड ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटेंड्रस कंडीशन, सनफ्लावर कॉटन, इस पे प्रोटेंड्री होता है, मेल फ्लावर पहले एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल फ्लावर स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता है, तो इनमें आपस में पॉलिनेशन नहीं हो पाता। प्रोटोगाइनी, ठीक है, इसमें हम लोग उल्टा होगा, फीमेल फ्लावर जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा, कार्पल जो है वो पहले मैच्योर हो जाएंगे तो किसी और के साथ पॉलिनेट कर लेंगे जब तक उसका खुद का एंथर मैच्योर होगा। इसका एग्जांपल फाइकस, ठीक है, सराका इंडिका, फाइकस रेलिजियोसा जिसको हम लोग पीपल प्लांट बोलते हैं, ठीक है, एरिस्टोलोकिया, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑफ क्रूसीफेरियन रोजेसी फैमिली, इनमें हमको प्रोटोगाइनी देखने को मिलेगा। प्रोटोगाइनी मतलब, प्रोटो मतलब पहले, गाइनी मतलब फीमेल, ठीक है, इसमें फीमेल डेवलप्ड होगा, पहले वाले में प्रोटो एंड्री मतलब, प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब मेल, इसमें मेल पहले डेवलप हो जाएगा वो प्रोटो एंड्री, इसमें फीमेल प्लांट पहले डेवलप हो गया वो प्रोटोगाइनी। चेस्मोगेमी हम लोगों ने थर्ड पढ़ा था, जिसमें फ्लावर जो है वो ओपनिंग होगी, ब्लूम करेंगे जिससे क्रॉस पोलिनेशन हो सके, क्लेस्टोगेमस में बंद रहते हैं तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो पाता। उसके बाद हर्कोगेमी, जिसमें एक ही फ्लावर में एंथरोस्टिग्मा के बीच में कोई स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, इस तरीके से वो हो जाता है जिससे वो आपस में पॉलिनेट नहीं कर पाते सेम फ्लावर में, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे पॉइंट हमको नोट डाउन करने हैं, आपको वीडियो को पॉज करना है और ये पॉइंट नोट डाउन करते जाने हैं, एग्जाम्पल याद करते जाने हैं, ठीक है। हमको ये इतना याद रखना है कि हर प्लांट चाहता है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा हो और सेल्फ पॉलिनेशन कम, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर हेट्रोस्टाइली, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ
स्टेमंस एंड एंथर, ठीक है, एंथर और स्टिग्मा दोनों की जो लेंथ है वो कम ज्यादा होती है, दोनों सेम पोजीशन पे नहीं होते। अगर एंथर लंबा है स्टिग्मा छोटा है तो चांसेस कम है क्रॉस क्या बोलते हैं उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन होने के, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं और क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ा रहे हैं। तो हेट्रोस्टाइली का एग्जाम्पल हो गया प्रिमरोज, लाइनम एंड प्रिमुला, ठीक है, इसमें स्टेमेन और कार्पल जो है उनकी लेंथ डिफरेंट होने वाली है। उसके बाद सेल्फ स्टेरिलिटी हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो आपस में कॉम्पेटेबल नहीं होंगे, खुद के प्लांट में पोलन जर्मिनेट नहीं करेगा, सेम फ्लावर में जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। और ये जेनेटिक जीन्स के थ्रू रेगुलेट होगा, इसका एग्जाम्पल पिटोनिया, मालवा, थिया, पैसिफ्लोरा, विटेस एंड एप्पल, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हम लोगों ने पढ़े जिसके थ्रू जो है प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाना चाहता है और सेल्फ पॉलिनेशन को कम करना चाहता है, ठीक है। ये कुछ एक डिफरेंसेस है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है, ठीक है, सेम जेनेटिक फ्लावर है, एक ही फ्लावर है उसके हो रहा है और सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में है तो सेल्फ कहलाएगा। अगर दो डिफरेंट प्लांट के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन लाता है, यील्ड को कम करता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं लाता है, वो वेरिएबिलिटी लाता है, उससे यील्ड बढ़ता है, ठीक है। इसमें डिजीज रेजिस्टेंस कम होगा सेल्फ पॉलिनेशन में, और क्रॉस पॉलिनेशन में स्पीसीज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन नई स्पीशीज हाइब्रिड स्पीशीज बनने से रोकता है, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से हाइब्रिड स्पीशीज बेटर स्पीशीज बनेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमको पढ़ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब बात आती है नेक्स्ट, दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। पॉलन जो है स्टिग्मा के ऊपर बाइंड कर गया है, ठीक है। अब जो पिस्टिल है, जो स्टिग्मा है, वो उसे रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पपाया का पॉलन रोज के प्लांट के ऊपर आ गया तो आगे का प्रोसेस नहीं होने वाला, वो इनकम्पेटेबल हो जाएगा, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच पिस्टल रिकॉग्नाइजेस कॉम्पेटेबल और इनकॉम्पेटेबल पॉलन ग्रेन्स थ्रू केमिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस बाय देम, ठीक है। तो केमिकल इंटरेक्शन एक वहां पर होगा पॉलन और स्टिग्मा के बीच में, जब स्टिग्मा पहचान लेगा कि वो हमारे सेम स्पीशीज का है तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। इफ द पॉलन इज कंपेटेबल द पिस्टल एक्सेप्टेड एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट होगा जब उसने पहचान लिया कि हाँ ये मेरी स्पीशीज का है, आगे का प्रोसेस बढ़ाया जा सकता है, तब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो पॉलन है उसके जर्म पोर से जो इंटाइन है वो बाहर निकलेगी और वही इंटाइन खींचती हुई यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं वो एक पोलन ट्यूब बनाएगी, ठीक है। और पोलन ट्यूब जो है बढ़ते बढ़ते सीधे एंटर करेगा ओव्यूल में, फिर ओव्यूल में वो एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, बोरॉन एंड कैल्शियम आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो बोरॉन और कैल्शियम ये एमसीक्यू बहुत बार आया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मिनरल पोलन ग्रेन के ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हमको याद रखना है बोरोन एंड कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर 20-30 डिग्री सेल्सियस जो है वो बेस्ट टेम्परेचर है पोलन ट्यूब के लिए, तो ये मोस्टली सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे होगा। पोलन ट्यूब शो एपिकल ग्रोथ एंड कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, कीमोट्रॉफिक मीन्स केमिकल से अट्रैक्ट होके वो एम्ब्रियो सैक की तरफ जाएगा, ठीक है। उसे कैसे पता चलेगा कि पोलन को इंटाइन को किस तरफ बढ़ना है, ठीक है। नीचे तो बढ़ दिया, नीचे की तरफ कहाँ जाना है, जिक-जैक जाना है या सीधा जाना है, किधर से एंट्री करना है, मतलब एम्ब्रियो सैक जो है, ओव्यूल जो है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसको सेंस करके पोलन ट्यूब उसकी तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। अब आगे इसमें जब पोलन ट्यूब से एंट्री करेगा, ठीक है, सबसे पहले वो फिलीफॉर्म एपरेटस जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिलीफॉर्म एपरेटस जो है एग एपरेटस में वो हेल्प करेगा उसको सिनर्जिड में एंट्री करने में, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो होगा एंट्री ऑफ ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू अ सिनर्जिड एंड द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक सिनर्जिड में यहाँ पे देख रहे हैं हम
पोलन ट्यूब यहाँ से घुस रहा है, इसमें दो मेल गैमिट है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, अब वो इस सिनर्जिड में दोनों मेल गैमिट को जो है रिलीज कर देगा। ठीक है, समझ गए। इन प्लांट विच शेड पोलन ग्रेन्स एट टू सेल कंडीशन, ए वेजिटेटिव सेल एंड ए जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल डिवाइड इंटू टू मेल गैमिट ड्यूरिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ। ठीक है, जिन प्लांट्स में दो सेल कंडीशन में पोलन रिलीज होता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, तो मेल गैमिट तो नहीं है, तो जब पोलन ट्यूब बढ़ता हुआ बढ़ रहा होता है एम्ब्रोसैक की तरफ, तब जनरेटिव सेल डिवाइड होके दो मेल गैमिट बना लेता है। बाकी 40% में थ्री सेल कंडीशन में आता है, मेल मींस मेल गैमिट्स पहले से ही बने हुए आते हैं, उसको पोलन ट्यूब में बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, 60% केसेस में टू सेल कंडीशन होगी जिसमें जनरेटिव सेल पहले डिवाइड नहीं करेगा, जब ऑलमोस्ट फीमेल गैमिट के पास पहुंचने का टाइम आ गया होगा तब जाके वो एंड में जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, ये थोड़ा लेट लतीफ टाइप का है। और थ्री सेल कंडीशन में वो पहले से ही तैयार है, ठीक है, वो कोई चांस नहीं लेना चाहता कहीं लेट ना हो जाए पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में डिवाइड होने में। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं पोलन ट्यूब जो है, फर्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं पोलन ग्रेन आया, दूसरे स्ट्रक्चर में पोलन ट्यूब बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब वो एम्ब्रोसैक में सिनर्जिड में उसने मेल गैमिट्स को रिलीज कर दिया। अब क्या होगा, इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन द थ्री सेल कंडीशन, पोलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमिट्स फ्रॉम द बिगनिंग, पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी देन एंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू फ्लोफॉर्म एपरेटस। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एंटर करेगा, एक सिनर्जिड में वो ट्यूब घुस जाएगा और वहां पर मेल गैमिट को रिलीज करेगा। ठीक है, ए प्लांट ब्रीडर कैन मैनिपुलेट पोलन पेस्टिंग इंस्ट्रक्शन इवन इन कंपैटिबल पॉलिनेटर टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। ठीक है, ये आर्टिफिशियल बात है यहाँ पर कि कोई ह्यूमन जो है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, दो रोज और पपाया को भी वो पॉलिनेट करा सकता है, बट वो हम लोगों के इस टॉपिक में नहीं है कि हम लोग अलग से पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेचुरली क्या हो रहा है वो पढ़ना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर एक और दूसरा पॉइंट आता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। फर्स्ट है पोरोगेमी, इसमें क्या है, ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन पोरोगेमी है अगर पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल से एंटर कर रहा है। अगर पोलन ट्यूब चेलेजल लाइन से एंटर कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे चेलेजोगेमी। ठीक है, ये कैस्यूरिना में डिस्कवर हुआ था बाय ट्यूब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसका एग्जांपल है बेटुलाइन, जुगलिस वॉलनेट जो है इसका एग्जांपल है। थर्ड है मीजोगेमी, इन दिस वेदर पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल आइदर थ्रू इंटेगुमेंट्स, जो कवरिंग है ओव्यूल की उसके थ्रू एंटर कर रहा है या फ्यूनिकल के थ्रू एंटर कर रहा है। ठीक है, ये बहुत अनकॉमन मैकेनिज्म है, इसका एग्जाम्पल जो है इंटेगुमेंट के थ्रू कुकरबिटा में होता है और फ्यूनिकल के थ्रू पिस्टेशिया जो पिस्ताम खाते हैं उसके थ्रू, और पॉपुलस प्लांट जो के जो मैच स्टिक में जो लकड़ी होती है वो पॉपुलस प्लांट से मिलती है हमको। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने एम्ब्रोसैक का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एग एपरेटस है उसमें एक एग है, ठीक है, और दो सिनर्जिड है, और दूसरी साइड थी एंटीपोडल और बीच में दो पोलन न्यूक्लियाई है। तो यहाँ पर एक मेल गैमेट जो है जो सिनर्जिड में एंटर हो चुका है मूव टुवर्ड्स एग सेल एंड फ्यूज विद न्यूक्लियस। ठीक है, एक मेल गैमेट जो है वो सिनर्जिड से एग की तरफ जाएगा और फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, जो एग सेल था वो हैप्लॉइड था, जो मेल गैमेट आया वो हैप्लॉइड था, दो हैप्लॉइड बाइंड किए जाइगोट बने तो जाइगोट हो गया डिप्लॉइड। ठीक है, अब दूसरा मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब में से एंटर किया था सिनर्जिड में से, अब वो सिनर्जिड से सेंटर की तरफ मूव करेगा, पोलन न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज होगा। ठीक है, पोलन न्यूक्लियाई के पास पहले से ही दो न्यूक्लियस हैं, एक मेल गैमेट का आ गया तो ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर पेन। ठीक है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म बनने का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इस कंबाइंड प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, एक तो जाइगोट बन रहा है फर्टिलाइजेशन से और उसी सेल के अंदर एक जो है एंडोस्पर्म बन रहा है। ठीक है, इसलिए दो मेल गैमेट आते हैं,
एक एग के साथ फ्यूज कर रहा है और एक पोलर न्यूक्लाई के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट इज ए इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है। सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। जो सेंट्रल सेल है जब पैन बना उसके बाद वो पैक बन जाएगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में, ठीक है। तो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा और डेवलपमेंट के टाइम पे एम्ब्रियो एंडोस्पर्म से खाना लेगा। तो एंडोस्पर्म का काम है डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना पीना प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स पढ़ लिए, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने आगे के लेक्चर में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े, इस लेक्चर में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, ठीक है, सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोगों को सारे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ये सारे पॉइंट जो भी पीपीटी में लिखे हुए हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।